डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये लेक्चर है आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के ऊपर। ये आपका जो यूनिट नंबर 2 है उसका नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो बेसिकली ये आपका छूटा हुआ था तो उसको मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा। तो बेसिकली ये जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं जो कवर करूँगा वो है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का बेसिक क्या होता है, और दूसरा ये कि उसमें जो आपका वो रेजिस्टेंस बिल्डिंग पढ़ना है उसके बारे में ये पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका जैसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है क्या। तो पहले मतलब वेल्डिंग का तो मतलब यही होता है कि किसी भी दो चीज़ को जोड़ना। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो है आपका, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो है वो आपका वेल्डिंग का पार्ट है। ठीक है, तो वेल्डिंग का वो प्रोसेस जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से करते हैं वो आपका होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, मतलब वेल्डिंग का वो प्रोसेस जो आप इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से करते हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू पीसेस ऑफ मेटल। कोई भी दो पीस ऑफ मेटल है उसको आप ज्वाइन करते हो बाई अप्लाइंग हीट और एंड प्रेशर। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास हीट प्लस प्रेशर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका हीट केवल हीट या फिर आपका केवल प्रेशर हो सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी आपका तीन फैक्टर हो सकता है जब आप वेल्डिंग की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक। तो अब सिलेक्शन जो है, मतलब कि अब जैसे वेल्डिंग भी बहुत तरह का होता है। जैसे अगर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, आर्क वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, तो मन में एक क्वेश्चन ये आता है कि विच वेल्डिंग मेथड इज़ रिक्वायर्ड टू बी ऑप्टेड, है ना, कौन सा वेल्डिंग मेथड जो है आप वो ऑप्ट करोगे। तो वोट किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड ये करता है कि किस तरह के मेटल को आप ज्वाइन कर रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ मेटल दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन, मीन्स वेल्डिंग में कौन कौन से किस तरह के मेटल्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद है द टेक्निक्स ऑफ वेल्डिंग एडॉप्टेड। ठीक है, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज, क्या है आपका इक्विपमेंट, एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट टू बी फैब्रिकेटेड, मतलब आप वेल्डिंग करके क्या बनाना चाहते हो। तो ये चार फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अब है कि इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग दो तरह का है जो दिया हुआ आपका, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। तो एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो आपके सिलेबस में है उसमें आपको प्रिंसिपल है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। दूसरा आपका सिलेबस में ये है कि उस कितने तरह के होते हैं और एडवांटेजेस क्या हैं, तो हम उसी पे फोकस करेंगे ये जो आपका लेक्चर है। तो पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब देखिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग को समझने के पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो एक आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का पार्ट है। पहले इसको समझिए कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का पार्ट है। अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में रेजिस्टेंस का क्या महत्व है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का क्या महत्व है, रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका हीट पैदा करता है। ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो हीट पैदा करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करता है। तो बस इसी फंडामेंटल को हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। तो वैसा वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें हीटिंग प्रोड्यूस हो रेजिस्टेंस की वजह से उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, पहले समझिए कि इसको कैसे लिखिएगा अपने शब्दों में, क्योंकि मैंने तो यहाँ दे ही रखा है लेकिन उसको अपने शब्दों में समझेंगे कैसे। ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें हीट पैदा हो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, और उस हीट की वजह से हम चीज़ों को मेल्ट करके फिर हम उसको ज्वाइंट करें, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल्स टुगेदर बाय द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द ज्वाइनिंग एट द जंक्शंस ऑफ टू मेटल्स। जैसे एक मेटल ये है और एक मेटल ये है, ठीक है, तो इस इन दोनों का आप, इसे मान लीजिए एक मेटल ये है आपका
है ना, और एक मेटल ये है, मैंने दोनों को अलग अलग में बना रखा है। अब इसको इसके जॉइंट पर जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, अभी हम देखेंगे वो कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं जो मैटर करते हैं, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो हिटिंग होती है, उस हिटिंग की वजह से जो वेल्डिंग होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। और फॉर्मूला है आपका एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो अमाउंट ऑफ द हीट जनरेटेड एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट क्या है, हीट जनरेटेड इन वॉट पर सेकेंड, आई इज द करेंट इन एम्पियर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल बींग वेल्डेड, एंड टी इज द टाइम ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज इन द सेकेंड, है ना। चार चीज हो गए, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो आई हो गया करंट इन एम्पियर, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मेटल बींग वेल्डेड, और टी क्या हो गया टाइम ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन इट। अब हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये आर क्या है, क्योंकि तो इसकी इसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और इसी की वजह से सारा होगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस जैसा होगा करंट भी उसी पे डिपेंड करेगा, और टाइम तो खैर जो है वो अब डिपेंड करेगा कि मेटल कैसा है, तो जितनी ज़्यादा हीटिंग होगी उतना कम टाइम में वो वेल्डिंग होगा। अब ये जो आर है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ द करंट। अब जब करंट फ्लो होता है तो उसमें कौन कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो पार्ट होता है, तो एक है रेजिस्टेंस ऑफ द करंट पाथ इन द वर्क, ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस ऑफ द पार्ट्स बींग वेल्डेड, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, तो इनके बीच जो रेजिस्टेंस है दोनों पार्ट के बीच में, है ना, ये, और द रेजिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड द सर्फेस ऑफ द पार्ट्स बींग वेल्डेड। तो जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ बहुत इजी है ये। जैसे ये है आपका एक सरफेस है और एक ये सरफेस है, ठीक है। आप इन दोनों को वेल्ड करना चाहते हो, तो इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, मतलब एक ये रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद आप जब इलेक्ट्रोड अप्लाई करते हो, है ना, जब आप इलेक्ट्रोड यहाँ पे अप्लाई करोगे जिसके वजह से वेल्डिंग करोगे, तो इनके बीच का रेजिस्टेंस, ये दोनों कॉन्टेक्ट और इसके बीच का रेजिस्टेंस एक ये, और एक क्या है रेजिस्टेंस ऑफ करंट पाथ इन द वर्क, ठीक है। तो एक जो आपका करंट पाथ जो फ्लो होगा उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब मीडियम की बात बोल रहा है ये, मीडियम, ठीक है। तो ये मीडियम का रेजिस्टेंस हो गया, और ये सब मटेरियल के हो गए, मतलब एक जो हो गया, जैसे अगर आपका ये इलेक्ट्रोड का टिप है ना, और ये मेटल का टिप है, तो इसके बीच का रेजिस्टेंस, और दूसरा एक मेटल का टिप ये, दूसरा मेटल का टिप ये, तो इन दोनों के टिप के बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा जो करंट पास होने का जो मीडियम है उसका रेजिस्टेंस, ये तीन रेजिस्टेंस मिला करके ये बनता है आर, है ना। तो दिस आर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम कैसे करते हैं। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग द हीट डेवलप एट द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द पीसेस टू बी वेल्डेड रिड्यूसेस मिट द मेटल टू प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट। भाई प्लास्टिक स्टेट कहने का मतलब ये है कि उसको मेल्ट करके उसको ऐसा फॉर्म में लाता है कि आप उसको डिफॉर्म कर सकते हो, इसलिए उसको प्लास्टिक स्टेट लिखा है। तो आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप फिर लिक्विड स्टेट ही लिख सकते हैं। अब लिक्विड स्टेट में एक्चुअली लिखने का भी एक कंसेंट है, क्योंकि आप बिल्कुल उसको इस तरीके से नहीं गर्म करते हो कि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पानी की तरह हो जाए, तो इसीलिए प्लास्टिक स्टेट वर्ड यूज़ किया गया कि नाउ इट यू कैन मोल्ड इट, है ना। तो ये चीज़ है। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग द हीट डेवलप्ड एट द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द पीसेस टू बी वेल्डेड रिड्यूसेस द मेटल। रिड्यूसेस का मतलब, अगर रिड्यूसेस वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं तो इसको आप यूज़ कर दीजिए ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म द मेटल टू प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, ठीक है। देन द पीसेज आर प्रेस्ड अंडर हाई मैकेनिकल प्रेशर टू कंप्लीट द वेल्ड। अब क्या होता है कि आप उसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रोसेस आपने अप्लाई किया, उसके बाद मेटल जो है वो मेल्ट करके आपस में जुड़े, और फिर आप उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हो, उस प्रेशर की वजह से वो जो मेल्ट होकर के दोनों मेटल आपस में है वो जुड़ जाते हैं।
द इलेक्ट्रिक वोल्टेज इनपुट टू द बिल्डिंग वेरीज इन बिटवीन 4 to 12 वोल्ट। अब जो जितना वोल्टेज अप्लाई करना है वो वेरी करता है 4 से 12 वोल्ट के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन एरिया थिकनेस कंपोजिशन etc एंड यूजुअली पावर रेंजेज अबाउट 60 to 180 वॉट फॉर ईच स्क्वायर mm ऑफ द एरिया। मतलब आपका वोल्टेज रेंज कितना होगा, 4 से 12, और जो पावर आप यूज़ करोगे 60 से 180 वॉट का यूज़ करोगे हर एक स्क्वायर mm एरिया के लिए। अब आप इसमें से कोई भी डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज और करंट यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका मटेरियल क्या है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं AC, और AC जो है वो मोस्ट सुटेबल होता है आपका रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए। तो आपके MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सप्लाई जो है वो रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए बहुत सुटेबल है, तो उसमें आपको AC बिल्डिंग चूज़ करना होगा। उसके बाद है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंस बिल्डिंग। तो एडवांटेजेस क्या है, बिल्डिंग प्रोसेस इज़ रैपिड एंड सिंपल, बहुत सिंपल है और जल्दी हो जाता है ये। लोकलाइज हीटिंग इज़ पॉसिबल इफ़ रिक्वायर्ड, मतलब है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को हीटिंग करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है इसमें। नो नीड ऑफ यूजिंग फिलर मटेरियल, अब क्या कि जिस दो मेटल पार्ट को आपको वेल्डिंग करना है आप उसी दोनों मेटल को यूज़ करके ही वेल्ड कर रहे हो, तो इसमें कोई फिलर मटेरियल नहीं चाहिए अलग से आपको फील करने के लिए। बोथ सिमिलर एंड डिससिमिलर मेटल्स कैन बी वेल्डेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप चाहो तो लोहा को लोहा से वेल्ड कर दो या फिर लोहे को आप जो है स्टील के साथ वेल्ड कर दो, ये भी पॉसिबिलिटी है आपके पास। कंपेरेटिवली लेसर स्केल इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस एंड इट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मास प्रोडक्शन, ये इसके एडवांटेजेस हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के। लेकिन साथ साथ इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो आपका इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई है ना, इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, और हाई मेंट देखिए यहाँ पे था मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लेस और यहाँ लिखा है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को स्ट्रक कर दीजिएगा, एक्चुअली ये पॉइंट को हटा दीजिएगा, इसमें आप ये पॉइंट लिखिएगा हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द वर्क पीस विथ हेवियर थिकनेस कैन नॉट बी वेल्डेड सिंस इट रिक्वायर्स हाई इनपुट करंट। इसमें क्या है कि करंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या होता है कि आप ज़्यादा थिकनेस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा जितना थिकनेस होगा तो हमारा जो फार्मूला है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो अगर थिकनेस ज़्यादा होगा मतलब क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो आर उतना ज़्यादा होगा, आर जितना ज़्यादा होगा तो उसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए आई उतना ज़्यादा चाहिए, और आई ज़्यादा चाहिए तो फिर आपका सिस्टम में सिस्टम का वोल्टेज और पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है ये तीन डिसएडवांटेज हैं इसके, और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं, ठीक है। और इसको स्ट्रक कर दीजिएगा, ये रिपीट हो गया है, और इसमें है ये एडवांटेज का है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस बिल्डिंग, इसमें केवल लिखा है आपके सिलेबस में कि आपको केवल लिस्ट पढ़ना है, तो ये है आपका स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड बट वेल्डिंग, ठीक है। तो ये था लेक्चर, ये रेफरेंसेज मैंने लिए हैं, तो ये था लेक्चर आपका जिसका था आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ऊपर, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का बेसिक क्या होता है, हम कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हैं हमारे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि कितने तरह के रेजिस्टेंस वेल्डिंग होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।